भगवान शिव के कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे कुछ न कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए करोड़ों की भीड़ उमड़ती है और इन सभी मंदिरों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में अपने आप गायब हो जाता है? सुनने में तो ये एक सपने जैसा लगता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये मंदिर अपने आप गायब हो जाता है। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। गुजरात के वडोदरा में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो समुद्र में स्थित है और रोजाना दिन में दो बार अपने आप गायब हो जाता है। इस मंदिर की यही खासियत है कि शिवलिंग का जलाभिषेक समुद्र खुद करता है। इसी खासियत की वजह से स्तंभेश्वर मंदिर हमेशा चर्चा में बना रहता है और यहाँ लाखों की भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ी रहती है। लोगों का मानना है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान शिव के इस मंदिर की खोज करीब 200 साल पहले हुई थी। स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण की कहानी का वर्णन किया गया। आपको बता दें कि तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर तारका से मनचाहा वरदान मांगने को कहा और उस वरदान में उसने कहा कि मुझे सिर्फ आपका 6 महीने का पुत्र ही मार पाए। इस वरदान के बाद से ही तारकासुर ने हर जगह अपना आतंक फैला दिया, जिससे सभी देवी देवता और ऋषि मुनि काफी परेशान होने लगे थे। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने गए, जिसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। बाद में जब कार्तिकेय को तारकासुर के भगवान शिव का भक्त होने का पता चला तो वह निराश होकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उस स्थान पर शिवालय बनवाने को कहा, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली और खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जीवीएन 24 पर।